हेलो एवरीवन, वे टू लर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चौथी शासन व्यवस्था जो कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस शासन व्यवस्था में होता क्या है, इसकी जो प्रमुख जनजाति होती है, जनजाति की अगर हम बात करें, प्रमुख जनजाति होती है आपकी खड़िया जनजाति, ठीक है। और ये किस प्रकार की प्रजाति है, अगर प्रजाति की बात करें, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड टाइप की प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध है इनका, ठीक है। और भाषा किस प्रकार की बोली जाती है, इसमें खड़िया भाषा बोली जाती है। और ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। खड़िया जो होते हैं, ये खड़िया तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है आपके पहाड़ी खड़िया, दूसरी होती है आपकी दूध खड़िया, और तीसरी जो होती है ये आपकी ढेलकी खड़िया, से हम ढेलकी खड़िया कहते हैं, ठीक है। तो खड़िया जनजाति में या फिर ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रमुख होता है उसे हम लोग महतो कहते थे। महतो ये आमतौर पे क्या होते थे, महतो का प्रमुख कार्य क्या होता था, ये गांव के प्रमुख होते थे और ये किसी भी तरह के जमीन के निपटारे में जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो उसे उनका निपटारा करते थे। मतलब जमीन के मामले में जितना भी झगड़ा होता था उन सब का निपटारा करने का कार्य किसका था, महतो का। ये गाँव के मुखिया की तरह ही होते थे, प्रमुख होते थे। और यहाँ जो धार्मिक सलाहकार होते थे इस शासन व्यवस्था में, जो धार्मिक सलाहकार उसे पाहन कहा जाता था, पाहन, ठीक है, पाहन, या आप इसे कालो भी कह सकते हो, कालो भी कहा जाता था इन्हें, पाहन या कालो। ये आमतौर पर पूजा पाठ करते थे और धर्म के मामले में किसी भी तरह की सलाह दिया करते थे। यहाँ और एक तरह का प्रमुख व्यक्ति होता था जिसे हम लोग करटाहा कहते हैं, और ये करटाहा कौन होते थे, ये गांव के नेता को हम लोग करटाहा कहते हैं, ठीक है। गांव का नेता और संचालक भी बोल सकते हैं, और ये आमतौर पर किसी भी तरह के झगड़े का निपटारा करते थे। महतो सिर्फ जमीन के मामले में हुए विवाद का ही निपटारा करते थे, बाकी मामलों का निपटारा करने के लिए करटाहा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर 6-7 गांव मिलके, या फिर उससे अधिकतम 9 गांव मिलकर आपका एक खूंट का निर्माण करते थे, खूंट, ठीक है। और इस खूंट के जो अध्यक्ष होते थे ये कौन होते थे, ये करटाहा ही हुआ करते थे। करटाहा कौन होते थे, जो गांव के नेता हुआ करते थे ना, इसे खरटाहा कहते हैं, ठीक है। और ये जो पद होता था खूंट का अध्यक्ष, इस पद को एक विशेष नाम से जाना जाता था, इस पद का नाम था आपका खड़िया घाट, ठीक है, इसे खड़िया घाट कहा जाता था। अब मतलब जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जो महासभा होती थी, महासभा मतलब बहुत सारे गांव के वरिष्ठ नागरिक आके एक महासभा करते थे खड़िया जनजाति की तरफ से। तो खड़िया जनजाति की जो महासभा होती थी उसे ढोकलो कहा जाता था, ढोकलो, ठीक है। और इसका गठन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था लगभग 1934 से 1935 के बीच में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इस महासभा का उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किस तरह शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, शिक्षा का विकास, ठीक है, और किस तरह से समाज की शक्ति को बढ़ाया जाए, और अपनी शासन व्यवस्था जो है, मतलब जो शासन व्यवस्था उसे किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य होता था, ठीक है। अब इस ढोकलो महासभा जो होती थी आपकी,
जो ढोकलो महासभा होती थी, ढोकलो महासभा जो होती थी, इसका कोई ना कोई सभापति तो होगा। तो इस महासभा के जो सभापति होते थे, ठीक है, और ये होते कौन थे जनरली सभापति, ये पूरा खड़िया समाज के राजा हुआ करते थे। जो खड़िया समाज के राजा, जो खड़िया समाज के राजा हुआ करते थे, वो उस ढोकलो महासभा के सभापति हुआ करते थे। और इस राजा का जो कार्यकाल होता था ये 3 वर्षों का होता था, और ये गांव के लोगों के सर्वसम्मति से ही चुने जाते थे। अगर किसी कारणवश जो सभापति है ऐसा कोई कार्य करते हैं जिस जो गांव के लोगों के हित में ना हो, तो गांव के लोगों के पास ये शक्ति रहती है कि शक्ति रहती थी कि वो इस खड़िया समाज के राजा को अपनी कुर्सी से उसे हटा सकते थे, ठीक है। और ये लोगों के द्वारा चुने जाते थे, मतलब एक तरह का इलेक्शन होता था और उन्हें उसी माध्यम से सभापति का चुनाव होता था। इसमें कुछ और पद भी हैं, कुछ विशेष पद, जैसे एक होता था आपका लिखाकड़, ठीक है, लिखाकड़ होता था। और ये लिखाकड़ होते कौन थे, जनरली सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी, ठीक है। और इनका काम होता था किसी भी कार्य पर रिपोर्ट तैयार करना, किसी भी कार्य पर अगर रिपोर्ट तैयार करना हो तो इनका प्रमुख कार्य होता था लिखाकड़, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है तिजौड़कड़ खंजाची हुआ करता था, जो आपका फंड का हिसाब रखता था, खड़िया फंड का हिसाब, ये आपका कौन रखता था, तिजौड़कड़, खड़िया फंड का हिसाब। और एक होता है सलाहकार, ठीक है, सलाहकार, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सलाहकार का काम होता है सलाह देना, सलाहकार, ठीक है, ये सलाह दिया करता था, ये सलाह दिया करता था। तो ढोकलो सर शासन व्यवस्था में इतनी ही प्रमुख बातें हैं। इसके बाद वाली शासन व्यवस्था है जो कि आपका पहाड़ा पंचायत है, उसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले